कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैन फेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है उसके बाद ये दो क्लोजेज इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले एक कि महिला आरक्षण करने से पहले आ, महिला आरक्षण देने से पहले हमें आ, सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है 33 परसेंट आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने यह देश के सामने रख दिया है मगर रियलिटी यह है कि इंप्लीमेंट आज से दस साल बाद होगा यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से यह डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है डायवर्जन टैक्टिक है डायवर्जन किस चीज से हो रहा है डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से 90 लोगों में से सिर्फ तीन लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं ओबीसी हिंदुस्तान के पांच परसेंट बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं ओबीसी प्राइड की बात करते हैं मगर ओबीसी के लिए किया क्या, क्या? अब जब मैंने ये बात बोली उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं फाइव परसेंट ओबीसी निर्णय ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी पांच परसेंट है यह मैं जानना चाहता हूं अगर पांच परसेंट है तो फिर वो ठीक है उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं मगर अगर वो पांच परसेंट से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं मुझे यह पता लगाना है यह ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए